जय हिंद। खान सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए, उसका ये सेट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 3 है। पिछले 2 वीडियो में 50-50 करके क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो कौन सा पक्ष हो जाता है, मतलब क्या यूएसए से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, तो वो हो जाता है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, कहते हैं, उन्हें एस्ट्रॉयड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हुए हैं। गुप्त के सिक्कों पे बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान उनके नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ये तो सबको पता होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? तो ये आया था 1854 ईस्वी में। इसे चार्ल्स वुड ने लाया था, जिसे अंग्रेजी भाषा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हुई थी? वो हो गया था बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ट्रम्पेट। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स मतलब जो ज्यादा से ज्यादा निर्माण कार्य करवाया हो, तो वो हो जाता है शाहजहां। नेक्स्ट, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाता है हमारा महायान के संप्रदाय के द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है मैसूर में, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति उदाहरण है चोल कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, वर्ष 2011 का, तो दिल्ली तो उस समय केंद्र शासित नहीं था, तो उसे उस समय का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगान का। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? तो कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौद्ध रत्नों में शामिल नहीं है? बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों शामिल है और अहिंसा शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा। अजात शत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये 493 में बैठा था, 493 मतलब इसमें से कोई नहीं। भारत के कितने राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है? 9 राज्यों में। नवीन जनगणना अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला धर्म है, तो वो हो जाता है सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, मतलब किस वर्ष से देना आरंभ किया गया, तो वो हो जाता है 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, मतलब टेस्ट बताता है, स्वीट, वो हो जाता है अग्रभाग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के मकबरे का निर्माण करवाया था, शेर शाह खुद ने निर्माण करवाया था अपने मकबरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा तत्व उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है? तो क्लोरीन हमारा उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है। दूध का निम्न उदाहरण है पायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन में डुबोए जाने पर नीले लिटमस पेपर का झाग हो जाता है, वो किस कलर का हो जाता है? तो रेड कलर का हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? वो हो जाता है मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलो बाइट या मेगा बाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है, एक बाइट होता है 8 बाइनरी अंक के समान के बराबर। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो इसका तांबा, इसका आंसर हो जाएगा तांबा, टीन और जिंक। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है? तो ये अधिकार परीक्षा का एक रिट होता है जिसे जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है? तो वो हो जाता है 3 महीना। वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है? केंद्र शासित प्रदेश का तो राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व होता नहीं है, उसका केंद्र शासित प्रदेश का पूरा कमांड होता है राष्ट्रपति के हाथ में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाली पास का नाम है? एलिफेंटा पास। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन है, ये तो सबको पता होगा, सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र। यहाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? तो वो हो जाएगा रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो वो थे कॉपरनिकस। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी, मतलब कितने नंबर वाली जनगणना थी? तो 15वीं नंबर वाली महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? उसका आंसर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम चंद्रबरदाई था, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दीवान रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इस सेट का। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मीर बख्शी।